आपको इस पे तो हाई रखना पड़ेगी ना। चलिए लेट अस स्टार्ट विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली अगेन जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा, दिस इज बीन टेकन फ्रॉम अमेंडेड, इट्स एन अमेंडेड पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ यू सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 239 से लेके 266 सेक्शन जो था उसको अमेंड किया है, और उसको अमेंड करने के बाद दे हैव ब्रिंग इट आउट टू पार्टनरशिप एक्ट, है ना। दिस सेक्शंस दिस इज बीन अमेंडेड, है ना। वी कॉल्ड इट, कौन सा चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 11। तो इट वाज अ चैप्टर नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच वाज अमेंडेड टू ब्रिंग द पार्टनरशिप एक्ट इनटू एग्जिस्टेंस। तो सो गाइस सेल्स ऑफ गुड एक्ट की तरह ही है। पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट पर्पस अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाई दिस एक्ट ब्रेक ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो प्रीवियस लॉ था उसमें पार्टनरशिप की जो डेफिनेशंस थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, प्लस ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, ठीक है, इस पार्टनरशिप डायमेंशन जो थी, है ना, जो उसको अलग एक सेपरेट प्रेजेंटेशन की नीड थी, एक स्पेशल लॉ की नीड थी, है ना। तो बेसिकली पर्पस इज टू ब्रिंग द कमर्शियल ट्रांजेक्शन इनटू मोर मेन स्ट्रीम लाइन, टू ब्रिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शंस इनटू स्ट्रीम लाइन, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी इनटू लेजिस्लेशन, बेसिकली वी कैन से यूनिफॉर्मिटी इनटू, तो लॉ में यूनिफॉर्मिटी को सही करने के लिए इसको पर्पसली क्रिएट किया गया पार्टनरशिप एक्ट को। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इफ यू सी द प्रीएम्बल पार्ट, या फिर आई कैन से बिफोर गोटिंग इनटू प्रीएम्बल, अगर आप इसको समझेंगे, डिवीजन को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह ही है। कोई एक ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा लॉ बना रहा है सब कुछ, बेसिकली इट इज ऑल बेस्ड अपॉन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज वो तो पार्टनर्स ही डिसाइड करेंगे। जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इट्स द पार्टीज हु हैव टू डिसाइड। लॉ तो सिर्फ ये बताता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर एनफोर्सेबल और व्हाट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर नॉट एनफोर्सेबल। सिमिलरली पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपको पार्टनर्स रिलेटेड राइट्स देखने मिल जाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड ड्यूटीज को देखने मिल जाएगा, आपको पार्टनरशिप के बारे में हाउ टू क्रिएट देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस लॉ इज रिवॉल्व अराउंड दिस क्राइटेरिया कि व्हाट इज द मैनर ऑफ मेकिंग द पार्टनरशिप, व्हाट विल अमाउंट टू अ पार्टनरशिप, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ पार्टनरशिप, or what should be the purposes of the partnership, what are the consequences of the breach of partnership, hai na, to how partnership breaches or I can say dissolve, hai na, partnership dissolution. So basically if you see the complete law, it revolves around 3 to 4 things, that is creation of partnership, rights and duties of the partners, and the dissolution of the partnership. So what are the rights, duties and liabilities, you know, how they are created and what is the manner of dissolution of the partnership. This is the whole law that revolve around. So kaise ye bhagidari banayenge log, you know, partnership means bhagidari banana. Banate waqt kin baaton ka dhyan rakhenge, kab mana jayega ki log bhagidari bana chuke hain, you know, partnership create kar chuke hain. एक बार पार्टनरशिप क्रिएट कर गई तो पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी और क्या लायबिलिटीज रहेंगी पार्टनर्स इंडिविजुअली एंड पार्टनरशिप कलेक्टिवली, किस चीज के लिए लायबल होगी,
फिर जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तब किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और वो क्या मैकेनिज्म होगी जिससे पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत बेसिक सा लॉ है और कुछ नहीं है, बेसिक ज्यूरिसप्रूडेंस है। अगर आप इस एक्ट के प्रियम्बल को समझने की कोशिश करेंगे, इफ यू रीड द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट का प्रियम्बल आपको बहुत कुछ बताता है इस एक्ट के बारे में। ऑब्वियसली एवरी एक्ट है ना, प्रियम्बल टॉक अबाउट सो मच अबाउट दैट एक्ट। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट सेज। द प्रियम्बल सेज एन एक्ट डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, है ना। तो डिफाइन एंड अमेंड, दे आर यूजिंग द वर्ड डिफाइन एंड अमेंड। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन एंड अमेंड? दिस शोज द नेचर ऑफ द एक्ट। नेचर कैसा है? द पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव अबाउट पार्टनरशिप, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। तो दिस लॉ इज पर से हिमसेल्फ इज नॉट एग्जॉस्टिव अपॉन द पार्टनरशिप। इफ यू सी, तो अगर इफ यू सी एन एक्ट टू डिफाइन अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप, नेचर लिखते हैं वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप इट इज हेयर बाय इनएक्टेड। 1939 में व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीडियंट? वर्ड एक्सपीडियंट का पर्पस क्या है? जो मैंने आपको बताया ना कि वो कमर्शलाइजेशन को मेन स्ट्रीम में लाना, दैट इज आई दे आर यूजिंग द वर्ड एक्सपीडियंट। बेसिकली वर्ड एक्सपीडियंट शोज कि वाई दिस 1932 एक्ट वॉज इनएक्टेड separately from the Indian Contract Act. The 1932 Act was enacted separately from the Indian Contract Act. Why? Because there was an expedient need, there was an urgent need of creating such act. Why? Because that was the time, 1932 is an era where industrialization and commercialization is getting at a boom and people have to do free or flawless ट्रेड्स कमर्शल्स, है ना। तो मार्केट के अंदर उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्रिएशन चल रहा था और उसके अंदर लॉ जो था हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, उसको ईज ऑफ बिजनेस को क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप का क्रिएशन हुआ। तो इट इज एक्सपीडिएंट टू अमेंड एंड डिफाइंड। अब एक्सपीडिएंट टू अमेंड एंड डिफाइन, अगर मैं अमेंड और डिफाइन को समझाने की कोशिश करूं, तो ये वर्ड अमेंड एंड डिफाइन कहने की कोशिश कर रहा है कि फर्स्टली वी नो दैट अमेंड मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू लॉ, तो वी आर चेंजिंग द ओल्डर वर्जन एंड क्रिएटिंग अ न्यू लॉ, एंड डिफाइन मीन्स दैट वी आर गिविंग सर्टेन डेफिनेशंस। बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स, दिस शोज द नेचर ऑफ द एक्ट, है ना। एंड वॉट इज द नेचर ऑफ द एक्ट? इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। व्हेन आई से इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पार्टनरशिप से रिलेटेड और भी राइट्स एंड रेगुलरिटीज कहीं और देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इज अ डिफरेंट एक्ट ऑल टुगेदर, है ना। वो भी पार्टनरशिप की बात करता है, बट वो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। तो इट्स एन ओल्ड लॉ, ऑल टुगेदर डिफरेंट लॉ। तो ऑब्वियस है, एग्जाम्पल इज LLP। अब आगे समझने की कोशिश करें। अनलाइक इंडियन, अगर आप इसको समझेंगे, ये छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जो हमको याद रखना है। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट इज अ, किसने ड्राफ्ट किया है? इट इज ड्राफ्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लॉ कब? ऑब्वियसली 1932 का है, ठीक है। वो समय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो चीज़ें नहीं समझनी, बट basically I want to make it today at present, it is a part of concurrent list, it is a part of concurrent list, so it is a part of concurrent list. एक और सवाल, 1932 का एक्ट है, ये अभी तक चल रहा है कैसे? हर बार पूछता हूँ ये सवाल। exactly, because है ना,
आर्टिकल 372 एंड 374 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना क्लियरली मार्क दैट द प्री इंडिपेंडेंस लॉज विच आर नॉट इनकंसिस्टेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन इन फोर्स अंटिल दे आर बीन रिपील्ड. तो बिकॉज इट इज नॉट बीन रिपील्ड नाउ इट इज इन फोर्स एंड नाउ वंडरफुल लॉ फंक्शनिंग वेरी गुड. तो फिर रिपील करने की जरूरत ही नहीं है. विद दिस माइंडसेट एक छोटा सा पॉइंट और उस माइंडसेट से हम कॉन्सेप्ट के अंदर मूव कर जाएंगे. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लियर हो रहा है? बेसिक ओरिएंटेशन क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? पूजा क्लियर हो रहा है? अगर हम इसकी फोर्स की बात करें, व्हेन दिस लॉ केम इनटू फोर्स, तो दिस लॉ केम इनटू फोर्स इफ यू सी व्हाट दे आर सेइंग, इफ आई रीड सेक्शन 1 complete clause 3 hame dekhna but I want to read this act is called Indian Partnership Act we know this it extend whole of India except J&K now this has been it extend whole of India including Jammu and Kashmir because this is an act amended in 2019 right it shall came into force on 1st October 1932 so basically 1st October 1932 ko force mein aaya aage kya likhte hain except section 69 which came in force on 1st day of October 1932 but section 69 came in force on 1st October 1933 to complete law jo hai wo force mein aaya aisa bahut sara hota hai aise bahut sare laws hote hain जो पार्ट में फोर्स में आते हैं दे डू नॉट कम इन फोर्स इन अ वन गो. उसके पीछे कुछ पर्पसेस होते हैं, अभी हम इस पर्पस को समझेंगे. यहाँ क्या पर्पस था? बट कैन यू गिव मी द एग्जांपल सम दिस इज बीन डन रिसेंटली टू विथ एनी लॉ कि जो पार्ट में फोर्स में आ रहा है, एक बार में फोर्स में नहीं आया, इट इज कमिंग इन सीरीज, इतने सेक्शंस आ गए, इतने सेक्शंस फिर आ गए, फिर आ गए. हैव यू सीन एनी लॉ इन प्रेजेंट? इफ यू सी मोटर व्हीकल एक्ट 2018 अमेंडमेंट, तो अभी उसके कुछ प्रोविजंस फोर्स में आ चुके हैं, कुछ ओल्डर मोटर व्हीकल एक्ट से डील कर रहे हैं, कुछ अभी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट से, और वो इट इज इन अ प्रोसेस, एक एक करके दे आर कमिंग इनटू फोर्स. रीजन इज क्योंकि उनके एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, है ना, एक बार में नहीं उसको गो थ्रू कर सकते बिकॉज दे नीड अ कॉन्सिक्वेंसेज. सिमिलरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रायर टू 1932 होता क्या था, पार्टनरशिप फर्म्स को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी नहीं था. अगर हम ओल्डर लॉ की बात करें, ओल्ड लॉ, ठीक है, पार्टनरशिप्स नॉट टू बी रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप्स नॉट टू बी रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप्स को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं थी. दे विदाउट रजिस्ट्रेशन दैट मींस यू एंड मी केम इन टुगेदर, मेक एन एग्रीमेंट, ओरल हो गया, हो गई पार्टनरशिप, वी आर डूइंग द बिजनेस. बट हुआ क्या, व्हेन दिस लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1932, सेक्शन 69 ने बोला पार्टनरशिप इज टू बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप टू बी अगर पार्टनरशिप को मैंडेटरी रजिस्टर्ड नहीं किया तो जो उसको लीगल बेनिफिट्स या प्रोटेक्शंस मिलने वाली हैं वो उसको नहीं मिलेंगी. मतलब पार्टनरशिप्स विल नॉट गेट द लीगल रिकॉग्निशंस इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 1932 एक्ट. अब ये 1st October 1932 को आ गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर दिस एक्ट ऑल्सो द पार्टनरशिप फॉर्म वॉज एग्जिस्टिंग, पार्टनरशिप्स वर एग्जिस्टिंग एंड मोस्टली ऑफ देम वर नॉट रजिस्टर्ड. क्यों? क्योंकि लॉ डज नॉट रिक्वायर देम टू बी रजिस्टर्ड. तो जब रिक्वायर्ड ही नहीं है रजिस्टर्ड कराना तो रजिस्टर्ड नहीं थी. तो जैसे ही ये फोर्स में आएगा 1932 में, हुआ क्या, वो सारी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है. अगर सेक्शन 69 1932 में फोर्स में आ जाता तो वो सारी फर्म क्या हो जाती, बेकार हो जाती. तो इन ऑर्डर टू मेक देम ऑल रजिस्टर्ड उनको एक साल का टाइम पीरियड दिया गया. तो 1st अक्टूबर 1932 से लेके 1st अक्टूबर 1933 तक
टाइम जोन वॉज गिवेन टू ऑल द फर्म्स कि भैया लॉ हैज कम, इफ यू डू नॉट गेट देम रजिस्टर्ड दिस लॉ दिस सेक्शन विल कम इन टू फोर्स आफ्टर 1 ईयर एंड यू विल लूज ऑल द लीगल प्रोटेक्शन दैट यू आर हैविंग राइट नाउ. तो फिर वो टाइम जोन में दे गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड ताकि उन्हें सेक्शन 69 की प्रोटेक्शन मिलती रहे पार्टनरशिप एक्ट में, ताकि सेक्शन 69 का जो इफेक्ट है वो उनके ऊपर ना पड़े. दिस इज द रीजन वाई सेक्शन 69 डज नॉट कम इन टू फोर्स इमिडिएटली, बिकॉज इट सेक्शन 69 रिक्वायर्ड दैट ऑल पार्टनरशिप मस्ट बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड. नहीं समझ में आया शिव, ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ ना इसलिए, है ना, है ना, कई बार हो जाता है. मुझे याद आ गया कि आई एम नॉट टीचिंग इन अ कॉलेज, है ना, है ना, उससे ये पता चलता है कि अच्छा मेरी इंग्लिश भी ठीक है ना, बट आई वॉलेंटरली डू नॉट टीच इन दैट पैटर्न. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1932 में जो एक्ट आया उससे पहले भी लॉ था, बट वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर पार्टनरशिप एक्ट आपने पार्टनरशिप बनाई है तो उसको किसी लॉ में रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, हम उसको पार्टनरशिप फर्म मानेंगे. 1932 में जब लॉ आया उसमें सेक्शन 69 इनकॉर्पोरेट किया गया और उसने बोला कि इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप है उनको मैंडेटरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं तो फिर उन पार्टनरशिप फर्म्स को किसी भी तरीके की लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. अब 1932 में ये लॉ आ गया, अगर सेक्शन 69 1932 में ही आ जाता फोर्स में तो फिर क्या होता उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट होता है कि जितनी पुरानी फर्म्स थी जो अनरजिस्टर्ड चल रही थी वो सब क्या हो जाती, वो सब बेकार हो जाती, बिकॉज सेक्शन 69 उन सबको ख़राब कर देता. क्योंकि सेक्शन 69 का इफेक्ट यही है कि इससे जिस दिन सेक्शन 69 फोर्स में आ रहा है उस दिन के पहले की जितनी अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो सब खराब हो जाएंगी, बेकार हो गई, इनवैलिड हो गई. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन फॉर्म को रजिस्टर्ड होने का टाइम दिया 1 साल का, ताकि जब 69 फोर्स में आए तो उन फॉर्म्स की वैल्यू कम ना हो. क्यों, क्योंकि चेंज इन लॉ हुआ है ना, तो हमें टाइम तो मिलेगा ना, अदरवाइज वी कैन नॉट डू मेक इट लाइक अ डीमोनेटाइजेशन ना, कि आज किया और सुबह से खत्म. यू शुड टेल द पीपल, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई डूइंग ई रुपया चेंज, कल भी बताया था मैंने, दे आर गिविंग अ टाइम टू गेट देम सेल्फ अडॉप्टेड, पीपल विल गेट एक्वेंटेड. अगर सपोज आरबीआई ने आज ही लॉन्च किया, बोला कल से नोट नहीं चलेंगे सिर्फ ई रुपया चलेगा, इट विल टोटली अ क्लैश, टोटली अ क्रैश. तो सेम वे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी देर आर सर्टेन प्रोविजन्स, उन्होंने चेंज इन लॉ किया है ना, तो इम्पोजिशन वाला पार्ट तो चेंज इन इम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का पहले 1000 था 5000 हो गया, ये तो एक बार में इन्फोर्स कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके इम्प्लीकेशन का डिफेक्ट भी चेंज हुआ है, उसकी ट्रैकिंग भी चेंज हुई है, उसके ट्रायल्स भी चेंज हुए हैं. अब ट्रायल्स को और उसके इम्प्लीकेशन को एकदम चेंज नहीं कर सकते है ना, उसका प्रोसेस है. हर अब टाइम मिल रहा है हर चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी नाउ योर व्हीकल्स आर कमिंग विद हाइब्रिड नंबर प्लेट्स, दे आर ऑल लॉज्ड, बट अभी ऐसी बहुत सारी गाड़ी हैं जो नॉन हाइब्रिड है बट दे आर टर्निंग इन टू बी, उनका टाइम दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर आप कर लीजिए, इतने दिन के अंदर आप कर लीजिए. वाई इज इट सो, ताकि चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल फास्टैग व्हेन इट वॉज लॉन्च्ड इट वॉज प्री इन्फॉर्म्ड आफ्टर दिस टाइम पीरियड नो कार विल बी अलाउड टू गो विदाउट फास्टैग, और वो बोलते हैं सपोज दे माइट हैव डिक्लेयर्ड कि कल से फास्टैग नहीं होगा, तो इट विल बी अ बिगेस्ट कियोस दैट कैन बी सीन, है ना. तो सेम वॉज हैपन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि लॉ आया गया और उसने बोला जितनी भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो अपनी लीगल आइडेंटिटी लूज कर जाएंगी, ठीक है, जैसे ही फोर्स में आएगा पार्टनरशिप एक्ट. बट ऑब्वियसली 1932 से पहले सारी पार्टनरशिप 99% आर अनरजिस्टर्ड, तो वो क्यूस हो जाता, तो उस क्यूस से बचने के लिए दिस एक्ट ने किया सेक्शन 69 को लेटर ऑन इन्फोर्स कराया, ठीक है. तो वी कैन से इट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, है ना, एंड सेक्शन 69 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933. वी विल स्टडी सेक्शन 69, डोंट वरी, मैंने इसलिए रीड नहीं किया क्योंकि हमें पढ़ना ही है वो, ठीक है. विद दिस माइंड सेटअप
लेट अस गो इनटू द मेन कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप. तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट है, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करते हैं. आप क्या समझते हैं पार्टनरशिप से? दो लोग मिले और मिलके फिर कोई ट्रांजैक्शन किया. नहीं, लॉ की बात नहीं कर रहे, लॉ से बात नहीं कर रहे, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं टुगेदर. हम उन्हें पार्टनर कह सकते हैं कि हम पार्टनर्स हैं, है ना. तीस और ये जिसके अंडर ही जिस जिस ब्रैकेट के अंदर ही काम कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, ये ब्रैकेट पार्टनरशिप फर्म कहलाता है. बट इफ यू सी सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट गिव अ वेरी स्पेसिफिक है ना डिजाइंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विच इज टू बी रीड अंडर द एक्ट. तो जो हमने बेसिक लेमैन लैंग्वेज है ना आम व्यक्ति की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब एक साथ कोई कार्य करने की प्रवृत्ति रखते हैं है ना, जिसमें फायदा कमाने की इच्छा हो, तो वो क्या, वो भागीदारी कहला सकती है ना. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसको बड़े अच्छे से डिफाइंड किया है सेक्शन 4 के अंदर. लेट अस गो इनटू सेक्शन 4 एंड रीड दिस. व्हाट इज दिस सेक्शन 4 इज सेइंग? दिस इज इफ यू सी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड अ फर्म नेम. तो इफ यू सी सेक्शन 4 इज अ डेफिनेशन क्लॉज. बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन क्लॉज वर्ड यूज नहीं करूँगा क्योंकि क्लॉज अलग से सेक्शन ऑलरेडी है, डेफिनेशन सेक्शन है ना. ये डेफिनेशन सेक्शन ही है एक तरीके से, बट ये क्या क्या डिफाइन करता है? ये पार्टनरशिप डिफाइन करता है, ये पार्टनर्स को डिफाइन करता है, ये मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्म को डिफाइन करता है और फर्म नेम को डिफाइन. तो सेक्शन 4 डिफाइनिंग 4 थिंग्स है ना. तो हमारा पहला फोकस, हम ऑब्वियसली विल पिक इट अप वन बाय वन, हम एक एक डेफिनेशन को एक एक करके पिक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पर्पस है ना क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टनरशिप. इस शब्द को सबसे पहले ब्रेक करते हैं, डेफिनेशन उठाते हैं और ब्रेक करते हैं और देखते हैं ये पार्टनरशिप शब्द का मतलब क्या है. पढ़े आपने तो पढ़ा ही होगा पहले से, इजी से सब्जेक्ट है. कितने लोगों ने पढ़ा है पहले से? हाँ वो तो प्री में तो रट लिया होगा. मैंने तो नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया होगा. चलिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So if you see that, if I break down the definition, na agar hum isko break down karke to we'll find out the essentials. Basically if you see this definition tell about the ingredients or essentials of partnership, hai na. तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल्स आई कैन से, है ना. एसेंशियल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला एसेंशियल क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, है ना. तो बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ रिलेशन और ये कॉल्ड से रिलेशनशिप. तो फर्स्ट एसेंशियल इज देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस. सेकेंड इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस. The partnership is a relationship between persons who have agreed to share. Third is who have agreed to share. Agreed. That means there must be an agreement.
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नेचर बताता है टू शेयर प्रॉफिट, टू शेयर प्रॉफिट बोलते हैं, द एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, अनदर इज बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, लास्ट इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो इफ यू सी देयर आर सिक्स एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप इन द डेफिनेशन क्लॉज, है ना। डेफिनेशन क्लॉज जो है वो सिक्स एसेंशियल बेसिकली बता रहा है, बोलता है देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मस्ट बी बिटवीन टू पर्सन, है ना। फिर बोलता है द रिलेशनशिप मस्ट बी आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना। फिर टू पर्पस इज टू शेयर द प्रॉफिट, है ना। दिस प्रॉफिट इज टू बी डेवलप फ्रॉम अ बिजनेस, बिजनेस कैन बी डन बाय एनी पर्सन और ऑल ऑफ द पर्सन। हम एक एक करके पिक करेंगे। सबसे पहले आई वॉन्ट टू पिक अप बेसिकली दीज टू, बेसिकली दीज टू वर्ड्स क्रिएट अ वन बिगर एसेंशियल, ठीक है। तो बोलते हैं हु हैव एग्रीड ऑन अ रिलेशनशिप, है ना। तो मैं इसको अगर मैं मर्ज करके इसको लिखूं तो मर्ज करके हमारे पास जो एसेंशियल निकल के आता है वो एसेंशियल आता है कि एग्रीड अपॉन अ रिलेशनशिप, और आई कैन से रिलेशनशिप बाय एन एग्रीमेंट, रिलेशनशिप बाय एन एग्रीमेंट। तो बेसिकली इफ यू सी सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ दिस एक्ट इज दैट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। तो पहला एसेंशियल क्या है कि ये क्या कहता है दैट दैट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप आई कैन से, है ना, पार्टनरशिप मस्ट बी आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ये वाला जो वर्ड एग्रीमेंट है, ये वाला एग्रीमेंट वो वाला नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल एग्रीमेंट है ना, कमिंग टुगेदर बिटवीन टू पीपल। ये अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स बेसिकली इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, टू पीपल मस्ट कम टुगेदर, है ना। तो कमिंग अप ऑफ टुगेदर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होगा, तो दो लोग होंगे और ये दो लोग मिल जाएंगे और फिर पार्टनरशिप बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ टू पीपल है, अब बड़ा सवाल है, पहला हाउ टू मीट इट, ये जो एग्रीमेंट होगा ये कैसे बनेगा, ये एग्रीमेंट का मतलब अब समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं ये जो रिलेशनशिप है दिस मस्ट बी एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, और मैंने बोला वो एग्रीमेंट अभी के लिए, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर नाउ मैं एग्रीमेंट वर्ड को यूज कर रहा हूँ इन अ जेनरिक सेंस, जहां दो लोग बात करते हैं आपस में, सहमति है ना, संधि की बात नहीं कर रहा हूं, संविदा की बात नहीं कर रहा हूं, सहमति की बात कर रहा हूं, है ना, करार नहीं कर रहा हूं, है ना। ये करार अलग चीज है, एग्रीमेंट, मैं करार वर्ड को नहीं समझ रहा हूं, ये सहमति है दो लोगों की, समझना किसी चीज को, आगे क्या बोलते हैं, अब सहमति समझना, समझना मैंने और आपने मिलके कुछ किया, बिजनेस हो गया, एग्रीमेंट, ए ए एंड बी केम टुगेदर एंड कलेक्टिवली सेल देयर प्रोडक्ट एट वन शॉप, बताइए क्या ये एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप बन गई,
ए और बी ने अपने अपने प्रोडक्ट एक जगह पर रखे और बेचना शुरू कर दिए एक ही दुकान के अंदर, पार्टनरशिप हो गई। एग्रीमेंट तो है, रिलेशनशिप ऑफ एन एग्रीमेंट तो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, साथ में बेच तो रहे। प्रॉफिट शेयर तो हम अभी गए नहीं है, वी वी विल नॉट डिस्कस अबाउट प्रॉफिट शेयर, आइडिया ऑफ प्रॉफिट शेयर निकले। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्रीमेंट तो है ना, दोनों मिल तो रहे आपस में, ए एंड बी एग्रीज टू सेल द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, ए एंड बी एग्रीज टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर, एक साथ मिलकर बेचने की बात कर ली। डोंट वरी अबाउट, अभी मैं शेयर वाले पार्ट पे नहीं गया, मैं सिर्फ रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दे हैव एग्रीड टू अ रिलेशनशिप, क्या ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप है, समझने की कोशिश। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका यस और नो का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, मेरा जवाब इसका आंसर है नो। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड सब छोड़ दो, जो पढ़ाया नहीं है उसकी बात ही नहीं करेंगे। समय एक और सवाल करते हैं, लेट इट बी हीरा स्वीट्स, ये पांच भाई हैं ए बी सी और डी और ई, एक और ब्रदर कर लेते ई, सब मिलके डूइंग अ बिजनेस ऑफ हीरा स्वीट एंड शेयर प्रॉफिट्स। ए बी सी डी एग्रीज टू डू बिजनेस और आई कैन से फैमिली बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट। तो ए बी सी डी ई भाई हैं आपस में, उन्होंने एक साथ मिलकर अपना फैमिली बिजनेस हीरा स्वीट्स को एक साथ रन कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं, बताइए पार्टनर्स है नहीं है, आर दे पार्टनर्स और नॉट, एग्रीमेंट है, रिलेशनशिप है, प्रॉफिट ऑफ शेयर है, आंसर इज दे आर नॉट पार्टनर्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। नहीं नहीं अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एग्रीमेंट है, मैं आई एम सेइंग दे हैव एग्रीड, एग्रीमेंट तुम समझ ही रहे ना, दे हैव एन एग्रीमेंट, दे आर एग्रीड टुगेदर टू, है ना। सिमिलरली इफ यू से एच एंड डब्ल्यू है, एच हैव प्रोडक्ट, एच के पास प्रोडक्ट है, डब्ल्यू हैव शॉप, दे ज्वाइन टुगेदर, स्टार्ट सेलिंग गुड्स इन शॉप एंड शेयर प्रॉफिट्स। हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ आए, उन्होंने हस्बैंड ने अपना गुड्स दिए, वाइफ ने अपनी शॉप दी और दोनों ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया, आर दे पार्टनर्स, आंसर इज नो दे आर नॉट पार्टनर्स। तो फिर एग्रीमेंट तो हर जगह हो रहा है ना, देखो अलग लोग भी मिल रहे हैं, परिवार भी मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ भी मिल रहे हैं, बट पार्टनरशिप नहीं बन रही है। एग्रीमेंट तो सबसे पहली बात है, ये जो एग्रीमेंट का रिलेशनशिप है ये कैसा होना चाहिए। पार्टनरशिप इज अ नो डाउट, इट्स अ रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय हु हैव एग्रीड, है ना, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हम पढ़ेंगे, बट हम पढ़ रहे हैं पहला फोकस हमारा क्या है, रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, है ना। तो अगर मैं रिलेशनशिप वर्ड को समझाने की कोशिश करूं, अरे भैया नहीं, यही तो समझाने का, पार्टनरशिप में देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, बट ये रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये जो रिलेशनशिप है इसका आंसर सेक्शन 5 देता है। अब इसी डेफिनेशन में पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा, वो तो तुमको पता ही, मैं यही करता हूँ, है ना, कि एक वर्ड पे ही पूरा पार्टनर एक्ट खत्म कर लेता हूँ। तो ये जो वर्ड रिलेशन यूज किया है और जो रिलेशनशिप यूज किया है, तो हम हैव एग्री टू पे द्वारा आएंगे, बट एग्री से पहले हम रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैव एग्री टू हम प्रॉफिट के साथ भी समझेंगे। अरे ये सब रजिस्टर्ड है यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं, सेक्शन 69 की कंप्लायंस को पढ़ते हुए चल रहे हैं, हम मान रहे हैं सेक्शन 69 की कंप्लायंस फुलफिल हो गई है ना, हम सेक्शन 69 की कंप्लायंस सब में है, तभी भी पार्टनर नहीं है, बताओ, लिख भी दिया है पार्टनरशिप फॉर्म में तब भी पार्टनर नहीं है,
लेट अस गो इन टू दी सेक्शन 5 है ना, एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट. फर्स्टली बोलते हैं द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. तो बोलते हैं रिलेशनशिप जो होगी, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, नॉट ऑफ अ स्टेटस. व्हाट डू माय स्टेटस? दैट इज बाय बर्थ, बाय बर्थ रिलेशन और मैरिज. शादी की वजह से, रिश्तों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से पार्टनर नहीं बनता कोई आदमी. पार्टनर बनने के लिए रिलेशनशिप कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट होना है. देयर मस्ट बी अ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो अगर ए और बी को पार्टनर बनना है, अब हमारे एग्जांपल में ए और बी को अगर पार्टनर बनना है तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो ब्रदर्स हैं, चाहे वो दोस्त हैं, दे हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. When I say they have to create a contract, इसका मतलब क्या है? Section 10 of Indian Contract Act का compliance होगा. तो first of all they must comply Section 10 of Indian Contract Act. ठीक है? तो partnership is an outcome of a contract. आप contract के बिना बाहर नहीं कर सकते. तो Section 10 का compliance करो. फिर एक सवाल का जवाब मिल गया हमको. हाँ, तो स्टेटस डजेंट मैटर, स्टेटस से मैटर नहीं करता है आप किस स्टेटस से बिलोंग करते हो. तो फॉर एग्जांपल, इफ आई से एग्जांपल जॉइंट हिंदू फैमिली, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली है ना, तो ए बी सी एंड डी member of joint Hindu family doing business together. वो एक joint Hindu family के members हैं, जैसे Hira Sweet का example लिया था हमने, and they are doing business together. बताइए, are this a partnership? Not partnership. Why? Because they are this. Togetherness has, this relationship has not come out of a contract, but it is outcome of a family relationship, है ना? Marriage हो सकता है, birth हो सकता है ना? तो when this relation की बात करूँ तो by birth हो सकता है, adoption हो सकता है ना? Marriage हो सकता है. तो same way H and W coming together and doing business. This is not partnership, but yes, this is not partnership, but yes. अगर इनको partner बनना है तो क्या करना पड़ेगा इनको? ये partnership बन, ऐसा नहीं है partner कोई बन ही नहीं सकते, they can be a partner, but अगर इनको partner बनना है तो क्या करना पड़ेगा? Section 5 Indian Partnership Act का compliance, that is they have to create a separate contract. Separate contract of partnership. Separate contract of partnership. Up. What do you mean by separate contract of partnership? जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया पार्टनरशिप के लिए पहले तो सेक्शन 10 का कंप्लायंस होगा, 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लायंस, है ना? और सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अगर मैं सेक्शन 5 को सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ रीड करूँ तो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? Very good. कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड.
दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन और ओरली. कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन एंड ओरल. कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं. अब सेक्शन 59 को अगर मैं सेक्शन 9 को अगर मैं सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लाइट में रीड करूं, तब रिजल्ट क्या निकल के आएगा. सेक्शन 69 कहता है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अब इन तीनों सेक्शन का ओवरऑल निकल के क्या आता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं बनेगी. तो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, फॉर पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड. तो जब तक रिटन और रजिस्टर्ड नहीं है ना, तब तक नहीं. तभी तो सेक्शन 9 बताया ओरली कैसे हो जाएगा. सेक्शन 9 को 69 के साथ रीड करेंगे तो क्या होगा, ओरल वाला पार्टी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि सेक्शन 9 ने कंप्लायंस को मैंडेटरी कर दिया. सेक्शन 9 ने फ्री किया और सेक्शन 9 ने उसमें से कंप्लायंस को फ्री कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन कर सकते हैं सेक्शन 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. बट 59 क्या कह रहा है, पार्टनरशिप एक्ट क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए. तो अगर मैंडेटरी रजिस्टर्ड है तो पर से क्या होगा, राइटिंग के बिना यू कैन नॉट रजिस्टर्ड. तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होंगे तो वो रिटन एंड रजिस्टर्ड होंगे, है ना. तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑल ओवर रिटन हो सकते हैं, बट सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ने मैंडेट क्रिएट किया है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप हमेशा और हमेशा क्या करोगे, रजिस्टर्ड करोगे. उसने ये नहीं बोला रिटर्न करोगे, रजिस्टर्ड करोगे. तो रजिस्टर्ड कैसे करोगे जब तक रिटर्न नहीं होगा, कॉमन सेंस. ये वर्ड रिलेशनशिप क्लियर हुआ नहीं हुआ. अब अगला सवाल, कितना इजी सा पार्टनरशिप एक्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, है नहीं है? आगे बढ़ते हैं. एक मिनट रुकिएगा, इनको लॉग इन दे दें. किसको समझ नहीं आया भैया बताइए, किसको, हाउ मेनी पीपल हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस. ऑनलाइन में किसको समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया ऑनलाइन, कितने कितनों को समझ में नहीं आया बताइएगा प्लीज. प्रतीक को समझ में नहीं आया, क्या समझ, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. ये कहता है कि पार्टनरशिप जो होना चाहिए, पार्टनरशिप मस्ट बी एन आउटकम ऑफ अ रिलेशनशिप. ये जो वर्ड रिलेशनशिप है अंडर सेक्शन 4, इसको अगर आप सेक्शन 5 के साथ रीड करोगे तो आप जानोगे रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल. तो आई कैन रीड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. फिर मैंने सोचा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप किस तरीके से होगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, रिटन एंड रजिस्टर्ड. क्यों होनी चाहिए रिटन एंड रजिस्टर्ड, बिकॉज सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड. और अगर किसी चीज रजिस्टर्ड है तो उसका रिटन होना मैंडेटरी है. क्लियर हो गया, कितना सिंपल सा है. आगे बढ़ते हैं, एक एक करके छोड़ो, अभी से पूरा ब्रेक डाउन करें, कल को और इसको खोल देंगे पूरा, है ना. पर अभी अभी इस रिलेशनशिप को अभी एक छोटा सा सवाल और पढ़ लेते हैं, है ना, या कल पढ़े उसको, चलो अलग अलग पढ़ लेंगे, एग्रीड अपॉन अलग पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा. मैं इसके साथ मर्ज करना चाहता था बट कल मर्ज करूंगा वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना. मतलब कल मर्ज तो करना ही पड़ेगा बट आज अलग अलग पढ़ाता हूँ. नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पर्संस.
व्हाट डू यू मीन बाय बिटवीन द पर्सन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, पहला शब्द तो समझते हैं, बिटवीन तो हमको पता है ना, दो लोगों के बीच की बात है, बिटवीन है ना, बिटवीन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पर्सन, देखिए पर्सन इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन. द वर्ड बिटवीन मीन्स बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन. व्हेन आई से बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन, व्हाट डज इट मीन, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल ए कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी कॉरपोरेशन, एक बी कंपनी, बी कंपनी, दिस कैन बी एन अ पार्टनरशिप, दिस कैन बी अ पार्टनरशिप. ए अ इंडिविजुअल कैन हैव अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी, बी कंपनी कैन हैव अ पार्टनरशिप विद सी कंपनी, दिस इज पॉसिबल है ना, ये पार्टनरशिप पॉसिबल है. एक सवाल है, ए वर्सेस, ए कैन हैव अ पार्टनरशिप विद बी, दो नेचुरल पर्सन, ये भी पॉसिबल है, हाँ या ना, यही पॉसिबल है. ए पार्टनरशिप फर्म, ए इज अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी पार्टनरशिप फर्म, बताइए ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आंसर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, व्हाई, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट लीगल पर्सन, पार्टनरशिप को लीगल, जैसे कॉर्पोरेशन लीगल पर्सन है ना, पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं होते, याद रखिएगा, दे आर नॉट लीगल पर्सन. एक चीज तो क्लियर हो गई, तो दे आर नॉट ज्यूरिस्टिक पर्सन बेसिकली, ठीक है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो सेपरेट आइडेंटिटी की तरह काम नहीं करती है. पार्टनरशिप फर्म होने के बाद भी पार्टनरशिप्स कैसे स्टैंड करती है इंडिविजुअल पार्टनर्स को, है ना, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, जैसे कंपनी से उसमें बिजनेसमैन की लायबिलिटीज नहीं होती, कंपनी की लायबिलिटीज होती है. पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, नाम वो पार्टनरशिप फर्म का यूज करते हैं, पढ़ेंगे हम इसको. तो वन पार्टनर कैन नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टनरशिप फर्म, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट ज्यूरिस्टिक पार्टनर. पार्टनर्स कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट, ए कैन हैव अ पार्टनरशिप विद सी ऑल्सो, डी ऑल्सो, बी कैन हैव अ पार्टनरशिप विद ई ऑल्सो एंड एम ऑल्सो, बट ए एंड बी एज अ पार्टनरशिप फर्म ऑल टुगेदर कैन नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वन, है ना, ऑफ अ बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, पर कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस न्यू पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्रिएट करके नई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना, तो ए पार्टनरशिप फर्म फर्म प्लस बी पार्टनरशिप फर्म, है ना, क्रिएटिंग अ न्यू पार्टनरशिप, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता. दिस इज पॉसिबल कि वो ऑब्वियस पार्टनरशिप बने तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस दे कैन डू, बट नई पार्टनरशिप क्रिएट्स नहीं कर सकते हो. तो हाँ, इंडिविजुअल कैन हैव अ पार्टनरशिप विद अ बिजनेस कंपनी, अ कंपनी, वन कंपनी कैन हैव अ पार्टनरशिप विद अदर कंपनी, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल, ठीक, नहीं क्लियर हुआ, कितनों को नहीं क्लियर हुआ, हाँ बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, ये पॉसिबल है. ए किसी कंपनी के साथ मिलके क्या बना सकती है, पार्टनरशिप बना सकती है, पॉसिबल है. एक कंपनी वन और कंपनी टू मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, बट एक पार्टनरशिप फर्म या पी वन प्लस पी टू मिलके पी थ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, है ना, तो एक पार्टनरशिप पूरी ऑल टुगेदर, है ना, तो ए एंड बी पार्टनरशिप है, मर्जिंग विद बी एंड सी पार्टनरशिप, और वो अब ए बी सी डी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, नॉट पॉसिबल, उनको ए बी सी डी इंडिविजुअली बनाना पड़ेगी, पुरानी वाले डाइल्यूट करना पड़ेगी,
नहीं बनेगी। एलएलपी के साथ भी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, दो एक साथ नहीं मर्ज हो सकती, नेचर तो सेम ही है ना एलएलपी का, बस लाइबिलिटीज का तो फर्क होता है। क्लियर आया? हो गया क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? तुम और मैं मिलके पार्टनर बने, ये पार्टनरशिप फर्म हो गई। पार्टनरशिप फर्म एक फर्म आइडेंटिटी है ना, पार्टनरशिप। अब हम मिलके एज अ पार्टनरशिप किसी और पार्टनरशिप के साथ, ये दो लोग भी पार्टनरशिप, अब दो पार्टनरशिप में ही तो मिलके अटैच होने की कोशिश कर रही हैं और एक नई पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल बिटवीन द पर्सन्स, है ना। और वो पर पर्सन कैसे होने चाहिए, लीगल और जुरिस्टिक होने चाहिए या फिर नेचुरल होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। तो अगर जब पर्सन नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप भी क्रिएट नहीं कर सकती। रिलेशनशिप भी कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द नेचुरल पर्सन एंड द लीगल पर्सन, और बिटवीन द लीगल पर्सन और बिटवीन द नेचुरल पर्सन, बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन और नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो पार्टनरशिप जब ज्यूरिस्टिक पर्सन है ही नहीं, तो वो ऑल टुगेदर किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलकर नई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकती। पार्टनरशिप कैन नॉट क्रिएट पार्टनरशिप, पीपल कैन क्रिएट पार्टनरशिप, कंपनी कैन क्रिएट पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप अलोन हिमसेल्फ कैन नॉट क्रिएट पार्टनरशिप। क्लियर हुआ? वो कंपनीज है ना, पार्टनरशिप थोड़ी है। जब हम पूरा डेफिनेशन समझ लेंगे ना तो आपको वो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अभी भी समझा सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक, तो यहीं क्लियर हो जाएगा। अब लिखा हुआ बिटवीन पर्सन, अब ये तो क्लियर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या है? टू और मोर, बिटवीन दो तो होंगे ना मिनिमम, टू और मोर वर्ड यूज कर रहा हूँ, इन्होंने यूज नहीं करा, वाई? तो बहुत बड़ा पर्पस है। पार्टनरशिप के लिए कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम? दो कम से कम हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगर पार्टनरशिप किसी बैंकिंग पर्पस से बन रही है, अगर बैंकिंग पर्पस से है तो क्या है, दो से लेकर 10 लोग हो सकते हैं पार्टनर्स मैक्स। और अगर नॉन बैंकिंग पर्पस से है तो दो से लेके कितने हो सकते हैं, 20। अगर इसके ऊपर पार्टनर बनेंगे तब क्या होगा, अगर इसको एक्सीड कर जाएगा तब क्या हो जाएगा, कंपनी बनेगी, फिर पार्टनरशिप नहीं होती है। तो बिटवीन द पर्सन की लिमिट है। इफ यू सी द कंपनीज एक्ट तो उसके अंदर साफ साफ क्लियरेंस है कि नॉन बैंकिंग में 2 से 10 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, और नॉन बैंकिंग में 2 से 20 कर सकते हैं, और बैंकिंग में 2 से 10 कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा तो क्या कर जाएगा, वो कंपनी का क्रिएशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, व्हाई दिस कैप्शन इज क्रिएटेड, व्हाई इज इट सो, है ना, ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने कि पार्टनरशिप इतने लिमिटेड कर दिया, दे हैव फिक्स अप द पार्टनरशिप की नहीं नहीं इतना ही रहेगा, क्या वजह हो सकती है, बताएगा कोई? इसका आंसर हमको मिलेगा इफ यू सी व्हाई इज इट सो। अगर मैं इसका आंसर देखूं व्हाई सो, ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर हमें सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिलेगा। इसका आंसर सेक्शन 9 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिलता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है, लेट अस रीड, समझने की कोशिश करते हैं। छोटे से लाइन रीड करना चाहता हूँ बस, क्योंकि मैं सेक्शन 9 को अलग से पढ़ाऊंगा, वो राइट एंड ड्यूटीज। क्या बोलते हैं, एक पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी अ बिजनेस ऑफ फर्म एट द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फर्स्ट टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड रेंडर ट्रू अकाउंट्स और एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स इफेक्टिंग द फर्म एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट डज इट मीन, सेक्शन 9 कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट एंड फेथ। सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि पार्टनरशिप इज
रिलेशन ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट एंड फेथ। और अगर रिलेशनशिप अटमोस्ट ट्रस्ट एंड फेथ का है तब क्या गेम है ना? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टू गुड पीपल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड मोर देन टू। बिजनेस का रूल है ये। इट इज इजी टू फाइंड अ गुड पार्टनर, इट इज नॉट इजी टू फाइंड अ गुड वन वन गुड पार्टनर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द मोर पार्टनर्स, है ना? तो बेसिकली अटमोस्ट रेट ट्रस्ट कब कहाँ बनती है? जब कम से कम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, अदरवाइज देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ ब्रेक डाउन, है ना? तो बेसिकली अगर आप देखें तो पार्टनरशिप जो है ना वो एक छत है जिसके पिलर है ये, है ना? और ये सीमेंटेड है ट्रस्ट से। इसकी खासियत है अगर एक भी पिलर हिला तो कंपनी की तरह नहीं है कि एक पिलर हिल गया तो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, नहीं। इसकी खासियत कि एक भी पिलर हिला तो पूरा जाता है, ऑल वैनिश, है ना? तो जितने पिलर उतने ज्यादा वैनिशिंग के चांस। क्यों? जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा अब्यूज, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा डिस्प्यूट्स, है ना? जितने ज्यादा डिस्प्यूट उतने ज्यादा चांस ऑफ लिविंग। अबे भाई अडानी इज अ कंपनी, भाई पार्टनरशिप कहाँ बात कर रहा है ना? अडानी को कौन गिरा रहा है? अबे दिन खराब होने से कोई आदमी गरीब नहीं हो जाता भाई। समंदर से एक घड़ा निकल गया तो क्या समझ रहा है, समंदर का पानी खत्म हो गया क्या? शेयर नीचे जा रहे हैं, कल परसों को ऊपर भी आ जाएंगे। ही इज द प्लेयर ऑफ शेयर यार, शेयर मार्केट वो चलाता है, जब मन चाहे नीचे कर दे जब मन चाहे ऊपर कर दे। इंडिया की शेयर मार्केट तो उसी के हाथ। इस सब बातों का ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। अडानी कुछ नहीं होने वाला, अडानी को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा शेयर वेयर तो नहीं अडानी के पास? फिर ठीक है, कभी स्ट्रेस में आ गया हो, लेने की सोच रहा था। अच्छा बच गया, चलो शुक्र है बच गया, वरना तो निकल गया था इस बार। चलिए तो वी आर डन विद दिस आइडिया बिटवीन द पर्सन। तो रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, ठीक है, हैव एग्रीड, बात को पढ़ेंगे, टू शेयर द प्रॉफिट। टू शेयर द प्रॉफिट पढ़ाना चाहता हूँ, हैव एग्रीड में बात कहूंगा, है ना? एग्रीड का बेसिक तो हमने समझ लिया कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एग्रीमेंट लेंगे, ठीक है, उतना तो हमने समझ लिया, है ना? अभी सेक्शन 5 का पैरा 2 रीड करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगे, ठीक है? अभी हमने पूरा रीड ही नहीं किया सेक्शन 5, आज तो सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, वापस यहाँ आऊँगा सब सारे शब्द को, है ना? कुछ खत्म नहीं कर रहा हूँ। टू शेयर द प्रॉफिट, तो पहला सवाल, क्या पार्टनरशिप एक्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट इज द सोल ग्राउंड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट? है ना? और क्या मतलब इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, सपोज ए एंड बी एग्री, एग्रीज, अब एग्रीज, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड बी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दैट ए विल बियर ऑल लॉसेस एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड by A and B together। बताइए contract of partnership बनेगा नहीं बनेगा? Is this a partnership or not? बोले नुकसान जितना होगा वो A का होगा और जो profit होगा वो A और B दोनों का होगा।
पार्टनरशिप बनेगी नहीं बनेगी? आंसर इज यस, पढ़ेंगे क्यों, व्हाई, हाउ, व्हाई इज इट सो. नेक्स्ट इज ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बोलते ए विल बियर ऑल लॉसेस एंड बी विल शेयर, बी विल हैव ऑल प्रॉफिट्स. बताइए, बोला लॉसेस एक है प्रॉफिट्स भी के, पार्टनरशिप बनेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है? आंसर इज नो. आंसर इज नो. बेसिकली सेम वे, अगर सपोज एक एग्जांपल है, ए एंड बी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बी विल डू टास्क फॉर ए एंड ए विल शेयर 10% ऑफ प्रॉफिट विद बी. पार्टनरशिप कर रहा है, बी काम करेगा ए के साथ मिलके काम करेगा और ए क्या अपने प्रॉफिट का 10% बी को देगा, इस शेयरिंग बिजनेस. चलो 50% मान लेते हैं, और बताओ 50% शेयर देगा वो प्रॉफिट, 50 ए रखेगा 50. पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप बनेगी क्यों, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है? आंसर इज नो. और समझते, ए एंड बी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ विल शेयर 50-50% प्रॉफिट. बिड आइज ए गिविंग प्रॉफिट 50% टू सन ऑफ बी. बताइए सन ऑफ अ बी इज अ पार्टनर और नॉट? आंसर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है, तो ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है क्यों, सब जगह तो हो रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फिर आंसर कैसे बन रहे हैं? नो, देखिए शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट अंडर पार्टनरशिप एक्ट इज द मोटिव ऑफ अ पार्टनरशिप. मोटिव है पार्टनरशिप का, इट इज नॉट द सोल एसेंशियल ऑफ द पार्टनरशिप. तो इस एग्जांपल से एक चीज समझ में आके निकल के आती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मोटिव ऑफ पार्टनरशिप but not essential of partnership, or I can say is not पहचानने वाले बोलते ना element, I will say not use the word essential, it is not element of partnership, it is not an element of partnership. तो partnership का element नहीं है, important element नहीं है, obviously element तो है but not most important, sole, or I can say not a sole element, not a sole element. तो फिर क्या चीज है, फिर है क्या sharing of profit, और कैसे पता चलेगा sharing profit क्या चीज है ना? इसको जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, section 6 है ना. sharing of profit को जानने के लिए हमें section 6 में मूव करना पड़ेगा. I just want to give a reading of section 6, मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, और उसके बाद किक्स कॉक्स वर्सेस हिकमैन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बेसिस पर सेक्शन 6 जनरेट किया गया है ना. कॉक्स वर्सेस हिकमैन को पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे और यहीं से हम इसकी डीपनिंग पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे. पार्टनरशिप में क्या है, क्या हो गया बेटा तुमको, क्या लग रहा है पार्टनरशिप, परेशान हो रहे हो, बहुत तेज चल रहा है, बहुत फास्ट है, हाँ क्या है फिर बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या नहीं समझाया, अब तो समझाया ही कब है, वर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं समझाया, मैंने बोला है लिखा है वर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की पहचान ये है कि दो लोग जब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो पार्टनर्स हैं? मैंने बोला आंसर इज नो,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कैन बी द मोटिव और इज द मोटिव, बट इट इज नॉट द ग्राउंड टू फाइंड आउट वेदर पार्टनर्स आर पीपल आर पार्टनर और नॉट. तो दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इसकी वजह से वो पार्टनर नहीं बन जाएंगे. पार्टनर बनने के लिए कुछ और होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सिर्फ एक मोटिव ऑफ पार्टनरशिप है. तो जब भी पार्टनरशिप बनेगी पर्पस होगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे. बट हर बार जो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किसी बिजनेस में वो हर बार पार्टनर मान लिए जाएंगे ऐसा नहीं है. बात समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दो लोग जब भी पार्टनर बनेंगे तो उनका मोटिव होगा कि वो प्रॉफिट शेयर करें. बट हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इज नॉट द पार्टनरशिप. समझ रहे? वाइस वर्सा. पार्टनरशिप हैव अ मोटिव ऑलवेज टू शेयर द प्रॉफिट, बट ऑल पीपल हु आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स आर नॉट द पार्टनर. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जो आपको सेक्शन 4 कह रहा है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट. दिस मींस दैट व्हेनेवर द पार्टनरशिप विल बी क्रिएटेड द पर्पस इज टू शेयर द प्रॉफिट्स. बट व्हेनेवर यू फाइंड टू पीपल शेयरिंग द प्रॉफिट दैट डज नॉट पर से मेक देम द पार्टनर्स, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट इनफ, रादर समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. तो जब भी दो लोगों को भागीदार बनना है तो उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य होगा कि वो फायदा उठाएं, वो प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है, वो लाभ उठाएं. लेकिन जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो एक दूसरे का लाभ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में, इसकी वजह से वो पार्टनर नहीं बन जाएंगे. ठीक है, तो ऑब्वियस है जब भी कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में आएगा उसका मोटिव रहेगा कि वो प्रॉफिट ले. बट हम प्रॉफिट जो लोग प्रॉफिट ले रहे हैं उसके बेसिस पर ये नहीं मान लेंगे कि हर प्रॉफिट लेने वाला बंदा पार्टनर है. कई बार प्रॉफिट लेने वाले बंदे पार्टनर नहीं होते. तो कौन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन लोग प्रॉफिट लेने वाले पार्टनर है कौन नहीं है, उसको फाइंड आउट के लिए हमें सेक्शन 6 को रीड करना पड़ेगा इसका आंसर. ठीक है, तो ऑल पार्टनरशिप पार्टनरशिप आर क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट, बट ऑल पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट आर नॉट पर से द पार्टनर्स. वो सारे लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ऊपर से पार्टनर नहीं बनेंगे. वो कैसे पार्टनर बनेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल हैव टू गो इनटू सेक्शन 6. व्हाट इज सेक्शन 6? एक बार रीड करेंगे और उसको फिर कल पढ़ेंगे, समझेंगे कल. इजी है ना पार्टनरशिप एक्ट? सिंपल सा तो है. देखिए, इन डिटरमाइनिंग, आई एम रीडिंग सेक्शन 6, इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड टू अ रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय द रेलिवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर. दैट मीन्स सेक्शन 6 क्लियर क्या कह रहा है? कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप यू हैव टू फाइंड द रियल रिलेशनशिप. दैट मीन्स दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ग्राउंड टू फाइंड आउट द पार्टनरशिप, सब समथिंग एल्स. वो समथिंग एल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रियल रिलेशनशिप? ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ोगे तो बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन होल्डिंग इन अ ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन अ पार्टनर. ठीक है, और सिमिलरली आगे बोलते हैं द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और द पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग प्रॉफिट और वेयरिंग विद द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मेक इटसेल्फ अ पार्टनर. फिर क्या बोलते हैं? एंड इन अ पर्टिकुलर रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट बाय द लैंडर ऑफ अ मनी बाय द सर्वेंट बाय द विडो और प्रीवियस ऑनर
ठीक है, डज नॉट मेक देम अ पार्टनर. तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ग्राउंड ऑफ पार्टनर. तो आप एक्सप्लेनेशन वन, एक्सप्लेनेशन नंबर टू और उसके सब क्लॉसेज देखोगे तो वो साफ साफ बोल रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ग्राउंड ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टनरशिप, रादर इट इज समथिंग एल्स. और वॉट इज समथिंग एल्स? दैट इज रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. एंड हाउ टू फाइंड आउट द रियल रिलेशनशिप ऑफ द पार्टी, वो हम कल समझने की कोशिश करेंगे. और यहीं पर एक जजमेंट भी करेंगे, दैट इज कॉक्स वर्सेज हिकमैन, है ना, वहीं से ये एक्ट का सेक्शन निकल के आता है.